असलम दिस वीडियो इज़ बाई गिलानी ऑन एमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एयरवे एडजंक्स के बारे में पढ़ा था एयरवे एडजंक्स में हम लोगों ने नेजोफ्रेंजियल और, और एयरवे को देखा था इसके अलावा अगर आप लास्ट में देखेंगे चैप्टर में तो ये हमारे पास एयरवे एडजंक्स के अंदर पॉकेट मास्क भी आते हैं कार्डियो पलमनरी रिसिटेशन पॉकेट मास्क और फ्रेंजियल एयरवे नेजोफ्रेंजियल एयरवे और बैग वेल्व मेकनिज़म uh, ये भी हमारे पास आता है आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि एयरवे के मैनेजमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट ऑक्सीजन थेरेपी और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी हमारे पास जो एथलीट होता है एथलीट uh, का जो ट्रेनर होता है वो हमारे पास ऐसे किसी भी एथलीट को ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हर स्टेट के अंदर उनके लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ध्यान में रखना है इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है आगे वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास ऑक्सीजन के टैंक होते हैं वो ए, 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 एक होता है एल्यूमिनियम टैंक और एक होता है स्टील टैंक और ये ग्रीन कलर के पेंट हुए हुए होते हैं एल्यूमिनियम टैंक के बारे में उन्होंने बताया हुआ है ये ज़्यादा सुपीरियर होता है क्योंकि ये आ, लाइट वेट भी होता है और दूसरा ये जल्दी रस्ट नहीं करता और इसके वेरियस साइज़ आते हैं और इसका प्रेशर बताया हुआ है कि हमारे पास टू थाउजेंड पी एस आई होता है ऑक्सीजन टैंक का अब ऑक्सीजन टैंक की उन्होंने टू टाइप्स बताई हुई है एक हमारे पास होता है डी टैंक और एक होता है हमारे पास ई टैंक इस वाले पैराग्राफ में ये सारी बात हुई हुई है डी टैंक की लेंथ उन्होंने बताई हुई है ट्वेंटी इंचज़ होती है ई जो होता है हमारे पास थर्टी इंचज़ होता है इसके अंदर हमारे पास जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की वो थ्री सिक्सटी लीटर्स होती है और इसके अंदर जो होती है वो हमारे पास सिक्स ट्वेंटी फाइव लीटर्स होती है अब इसी टैंक के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसका एक मेन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर उस रेगुलेटर के आगे थ्री पार्ट्स होते हैं एक होता है प्रेशर गॉज एक होता है हमारे पास प्रेशर रिड्यूसिंग वैव और एक होता है फ्लो मीटर जब प्रेशर गॉज जो होता है वो हमारे पास इसका प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है ऑक्सीजन टैंक का जो कि हमारे पास टू थाउजेंड पी एस आई है और वो हमें ये भी बता रहा होता है कि कितनी जन अगर आसान वर्ड्स के अंदर देखें कितनी ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है टैंक के अंदर और जो प्रेशर रिड्यूसिंग वैव होता है वो हमारे पास इसी प्रेशर को हैंडल कर रहा होता है और फ्लो मीटर हमें यह बता रहा होता है कि पर मिनट कितने लीटर ऑक्सीजन जो है वो उस टैंक से बाहर आ रही है तो ये वाली ये सारी बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्वेंटी इंचज़ डी टैंक है इसकी इतनी कैपेसिटी है ई टैंक थर्टी इंचिस है इसकी इतनी कैपेसिटी है इसका रेगुलेटर है रेगुलेटर के तीन उन्होंने लिख दिए कि कौन कौन से पार्ट हैं और आगे पार्ट के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि उसके क्या फंक्शन है फिर उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास डी टैंक है ना जो छोटा टैंक है वो हमारे पास हाफ एन आवर यानी थर्टी सिक्स मिनट के अंदर जो है वो एंड हो जाता है अगर हम इसको यूज़ करें और जो ई टैंक है वो हमारे पास वन आवर टू पॉइंट फाइव मिनट्स के अंदर जो है वो यूज़ हो जाता है फिर यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ से उन्होंने बताया हुआ है uh, सेफ्टी के हम लोगों ने ऑक्सीजन टैंक को जो है बड़ी सेफली हैंडल करना है इसको होल्डर के अंदर रखना है फिर आगे बताया हुआ है कि इसका अगर हमारे पास इसको हमेशा जो है आपने हॉरीजोंटल uh, पोजिशन में रखना है स्टैंडिंग पोजिशन में इसको कभी नहीं रखना फिर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका रेगुलेटर है अगर ये नॉक ऑफ हो जाए ठीक है टूट जाए तो इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन टैंक इस तरह रिलीज़ हो जैसे एक एडली में जायल होता है ऑक्सीजन के बारे में बता दिया ये खुद हमारे पास फ्लेमेबल गैस नहीं होती लेकिन ये हमारे पास किसी भी फ्लेम को आ, जो है आ, मतलब ये कंबशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सकती है ज्यादा आग लगा सकती है इस वजह से स्मोकिंग जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है आ, उस एरिया में जहां हम लोग जो है ऑक्सीजन टैंक्स को यूज कर रहे हो अब हम लोगों ने ऑक्सीजन टैंक्स के बारे में पढ़ लिया है कि ये हमारे पास किन किन साइजेस के अंदर होते हैं इसके कौन से पार्ट होते हैं और पार्ट्स मतलब कि किस तरह फंक्शन करते हैं और इसको किस तरह हैंडल करना है अब इस ऑक्सीजन के ज़रिए किसी किसी भी एथलीट को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है तो उनसे एडजंक्स यूज़ होते हैं उसके लिए और कौन सी टेक्निक है वो हम लोग जो है अब आगे से पढ़ेंगे सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया हुआ नेजल कैनोला नेजल कैनोला हमारे पास कुछ इस तरह से दिखता है अक्सर हम लोगों ने मूवीज़ और ड्रामाज में भी ये देखा हुआ है और नेजल कैनोला के, के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने कि जो हमारे पास सी का पेशेंट होता है उसको हम लोग जो है नेजल कैनोला के, के थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और यंग एथलीट जो होता है उसको सीओपीडी हमेशा आप याद रखें एस्तमा के फॉर्म के अंदर होगा अब सी अब हम लोग नेजल कैनोला ही क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन मास्क या और कोई चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं उसका जो फ़्लो रेट होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और सी के पेशेंट के अंदर एक्जेलेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो एक्जेल हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड करनी होती है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने में जो है पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर हाइपर हो सकता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है तो इस वजह से उसको लो रेट ऑक्सीजन जो है लो फ्लो ऑक्सीजन जो है हम देंगे जो नेजल कैनोला होता है और इसका उन्होंने हमें बताया है, ये वाला हम लोगों ने जो है टेबल याद करना है नेजल कैनोला का हमारे पास फ्लो रेट जो होता है वो वन से सिक्स लीटर पर मिनट होता है नेक्स्ट उन्होंने ये बताया है हमारे पास सी ओ पी डी इज़ नॉट अ कॉन्ट्रो इंडिकेशन टू शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन उन्होंने ये कहा है कि इस वाले पैराग्राफ में ये बात भी उन्होंने की हुई है अगर तो कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है किसी भी एथलीट को तो हम लोगों ने उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री में नहीं जाने लग जाना कि आइजर ये सी ओ पी डी का पेशेंट है ये क्या है अगर उसको जो है एमरजेंसी ब्रीदिंग की ज़रूरत है तो आप उसको हाई फ्लो हाई फ्लो ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं फिर यहाँ पे उन्होंने ये आ, बात की हुई है कि आ, हमारे पास डिफरेंट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पेशेंट को ठीक है और कितनी सेट ऑफ़ कितना सेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट को डिलीवर हुई है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन फिर नेजल कैलोना के, के बारे में बताया इसके टू प्रॉन्ग्स होते हैं एक ये इस वाले नोस्ट्रिल ट्रिल से जाता है एक इस वाले नोस्ट्रिल ट्रिल से जाता है इसके टू प्रोंग्स हमारे पास होते हैं और इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं नोज़ के अंदर और इसको जो है ट्यूब को रैप कर देते हैं अराउंड द ईयर्स इस तरह लेके जाके पीछे और इसकी कैपेसिटी उन्होंने बता दिया कि किस तरह जो है इसका फ़्लो रेट ऑक्सीजन का क्या है वन से सिक्स लीटर पर मिनट होती है अब आगे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये वन से सिक्स लीटर पर मिनट है ये इसको हम कंसीडर करते हैं लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर तो जो भी लो फ्लो ऑक्सीजन होती है ना उसको जब हम देते हैं तो वो हमारे पास नेज़ल पैसज़ को ड्राई कर सकती है जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती है नोज़ ब्लीड कर सकता है तो हम लोगों ने जो है इसको ह्यूमिडिफाई करना है लो लो फ्लो रेट जो भी हम लोग यूज़ करेंगे नेजल कैनोला उसको हम लोग सबसे पहले ह्यूमिडिफाई करेंगे उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे ऑक्सीजन बाय नेज़ल कैनोला इज़ ओनली यूटिलाइज़ विद कॉन्शियस एंड स्टेबल पेशेंट यानी अब उन्होंने ये भी बता दिया लास्ट में कि जो हमारे पास स्टेबल पेशेंट होता है और जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसको हम लोग नेजल कैनोला से ट्रीट करते हैं नेजल कैनोला के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिंपल फेस मास्क ये हमारे पास सिंपल फेस मास्क है और ये नेजल कैनोला है इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं और ये हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते और दूसरा डिफरेंस मेन ये है कि जो इसका फ्लो रेट है हमारे पास ऑक्सीजन का इसके अंदर हाई होता है इसके अंदर हमारे पास लो होता है और इसके अंदर एफ़ आई ओ टू हमारे पास ज़्यादा होती है यानी हमारे पास फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट होती है और इसके अंदर हमारे पास ट्वेंटी फाइव से फोटी परसेंट होती है ये इन दोनों का डिफरेंस है और नेक्स्ट हमारे पास है रेजरवायर बैग फेस मास्क ये हमारे पास है रेजरवायर बैक फेस मास्क इसकी एफ़ आई ओ टू ने बताया हुआ है सिक्सटी टू नाइन्टी परसेंट इसकी हमारे पास एफ आई ओ टू है यानी कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है नाइन्टी परसेंट तक हो रही है और इसका फ्लो रेट हमारे पास टेन टू फिफ्टीन लीटर पर मिनट है यानी इसका भी हाई है इसका भी हाई है इसका टेन का टेन से फिफ्टीन तक है उसके बाद कहते हैं कि जो रेजरवायर फेस आ, मास्क है उसको हम और ये हम लोग अनकॉन्शियस और अनस्टेबल पेशेंट को दे सकते हैं फिर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है बैग वेल्व मास्क ठीक है इसके अंदर ये हमें पिक्चर दी हुई है एक इसके साथ बैग अटैच होता है और इसके अंदर वेल्व होता है ये हमारे पास है बैग वेल्व मास्क ये हमारे पास किस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ब्रीदिंग के अंदर और किसी भी पेशेंट को वेंटिलेट कर सकें जो कि एपनिया से गुजर है और हमारे पास एडल्ट बीवीएम जो होती है उसकी कैपेसिटी सी सीसी और इसके अंदर हमारे पास आ, ये भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन के सोर्स के साथ कनेक्ट होता है ठीक है यूजिंग वायर बैग द बी वी दी वी एम विल डिलीवर अ एफ आई ओ टू ऑफ नियरली हंड्रेड पर्स ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है बी वी एम की हमारे पास सबसे ज़्यादा यानी हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है और है वो फिफ्टीन टू फिफ्टीन लीटर पर मिनट ही है फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि बी वी एम को हम लोग अटैच कर सकते हैं एंडो लेरेंजियल मास्क एयर वे के साथ अटैच कर सकते हैं और किंग एल टी डी के साथ कर सकते हैं ठीक है ये हमारा पास इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है हम लोग उसको उस टेक्निक को कहते हैं सी ई e टू सी टेक्निक और ई e टू सी टेक्निक जो है ये एक स्किल्ड पर्सन जो है वो परफॉर्म कर सकता है ये इस तरह होती है कि हमारे पास जो थम और इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारे पास एक कप की शेप बना रही होती है यानी सी शेप बना रही होती है और जो नीचे की बा, 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 बाकी रिमेनिंग फिंगर्स हैं वो ई e बना रही हैं तो इससे जो है वो हमारे पास एयर जो है वो बिल्कुल स्केप इस, इसके, इसके आउट नहीं होती और ऑक्सीजन जो है वो आपको हंड्रेड परसेंट डिलीवरी उसकी हो सकती है तो यहाँ पर उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि यूजिंग द यूजिंग मास्क फॉर्मिंग अ सी देन प्लेस योर स्मॉल रिंग एंड मिडिल फिंगर अलोंग द मैंडबल विद योर स्मॉल स्मॉल फिंगर एट द कॉर्नर ऑफ द जॉ दिस थ्री फिंगर शुड बी शुड फॉर्म ई यानी ये हमारे पास सी बन गया और ये रिंग फिंगर लिटिल फिंगर और मिडल फिंगर ने ई e बना दिया फिर वो कहते हैं कि स्क्वीज़ द बैग विद योर राइट हैंड दूसरे हाथ से आपने अपना जो है बैग स्क्वीज़ करना है और जो गॉज जो है उससे अफेक्टिवनेस जो है ना उसकी देखनी है कि कितनी जितनी चेस्ट राइज होगी ना उतने ही आपने जो है वो इसको कंसीडर करना है कि ये आप इफेक्टिवली कर रहे हो गुड चेस्ट एक्सपेंशन इज़ क्रूशल फ़ॉर इफेक्टिव बी मास्क वेंटिलेशन सीपीआर पॉकेट मास्क कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पॉकेट मास्क इसके अंदर यह कि ये हमारे पास सिंपल मास्क ही होता है जैसे इस तरह का ये दिखता है सिंपल मास्क है और ये भी हमारे पास वन वे वैल्व की तरह जो है वो सर्व कर रहा होता है इस वजह से ये होता है कि आप इसके अंदर जो है इससे आप ऑक्सीजन जो है एथलेटिक ट्रेनर ख़ुद मैनुअली प्रोवाइड कर सकता है माउथ टू माउथ लेकिन इसके अंदर ये हमारे पास एक फ़ायदा हो जाता है कि ये वन वे वैल्व सर्व कर रहा हो पेशेंट के फ्लूड हैं या पेशेंट की कोई पेशेंट के साथ आप इंटेक्ट नहीं हो सकते यानी अगर उसको कोई एच आई वी का प्रॉब्लम का उसको मसला है पेशेंट को तो यानी आपको उस चीज़ का जो है वो कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या फ्लू ट्रांसफर वन वे वेल्व के जरिए और इसकी एफ़ आई ओ टू ट्वेंटी वन परसेंट होती है